खबर अल्मोड़ा से आ रही है, जहां सशस्त्र सीमा बल के मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान महानिरीक्षक सीमांत अमित कुमार ने शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। महानिरीक्षक ने सीमांत मुख्यालय के प्रांगण में ध्वजारोहण भी किया, साथ ही सभी अधिकारियों और जवानों को संबोधित किया। महानिरीक्षक ने पिछले वर्ष में बल की उपलब्धियों के बारे में बताते हुए कहा कि भारत, नेपाल, भूटान सीमा सुरक्षा के अलावा बल ने नक्सल विरोधी अभियान, जम्मू कश्मीर में आंतरिक सुरक्षा, चुनाव ड्यूटी, अमरनाथ यात्रा ड्यूटी, बचाव और राहत कार्यों में भी अहम भूमिका निभाकर लोगों का दिल जीता है। उन्होंने किए गए कार्यों का भी प्रोत्साहन किया। फ्रंटियर रानीखेत द्वारा ऑपरेशन और खुफिया जानकारी के क्षेत्र में भी सराहनीय कार्य किया गया है। कुल 151 बरामदगी की गई और मादक पदार्थ और अन्य तस्करी में 195 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। आज के इस अवसर पर मैं सभी देशवासियों को तथा उत्तराखंड राज्य के वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं अपनी देना चाहता हूं, सशस्त्र सीमा बल की तरफ से उनके परिवारजनों को, और यही उनको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि हम सब लोग जो है सशस्त्र सीमा बल के सत्य निष्ठा से और अपने कर्तव्य परायणता से अपने कार्यों को अंजाम देंगे और भारत नेपाल सीमा को सुरक्षित रखेंगे और उनके कल्याण के लिए जो भी कार्य हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों में हमारे लिए संभव है हम करेंगे, ताकि उनके साथ हमारा रिश्ता अच्छा कायम रहे, उनका मनोबल ऊंचा रहे और वो खुश रहेंगे तो हमारा मनोबल ऊंचा रहेगा और हम भारत की सीमा।